अच्छा जी आपके पास आऊंगा, एक एक महिला होने के नाते भी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि हर किसी की जुबान पर यही रहता है कि देश में महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, अत्याचार रुकना चाहिए। आप लोग तो सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन भी करते हैं, महिलाओं के हक अधिकारों को लेकर, उनके साथ होने वाली प्रताड़ना को लेकर अपनी आवाज भी बुलंद करती हैं। लेकिन जब एक ऐसा मामला सामने आता है जिस पर पूरे देश की निगाहें या फिर कहें कि दुनिया की निगाहें भी टिकी होती हैं, क्योंकि निर्भया केस की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी, उस केस में इस तरह का डिले होना ये महिलाओं को खुद के प्रति विश्वास भी थोड़ा कमजोर नहीं करता है? ये सिर्फ हमारी सुरक्षा की बातें, रक्षा की बातें सिर्फ जुबानी है? आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा की बातें तो की जाती हैं, पर जो आज ये जो डिसीजन हुआ है ये वाकई में महिलाओं को इस समय बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। हर महिला दुखी है क्योंकि जो हमारे जजमेंट करने वाले न्यायाधीश हुए उनके घर भी महिलाएं हैं, सब कुछ है, बेटी है, सब कुछ है। ये अपने दिल में सोचे कि एक बेटी की माँ क्या सोच रही होगी जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, और ऐसी एक नहीं हजारों लड़कियां हैं जिनके साथ में ऐसा होता है, उनके पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं। तो मेरी तो ये कहना कहा है कि जो भी कोई इस तरह के केस होता है उसमें समय सीमा रखी जाए, ये नहीं उस केस को लटका दी जाए सालों साल। अब 12 से आज 20 हो गई, 2020 हो रही है, अभी तक इसका निस्तारण नहीं, जबकि इसको पूरा भारत लगा हुआ है। तो उसमें हमारी न्याय प्रक्रिया ठीक करनी चाहिए, उसमें समय सीमा रखनी चाहिए। चले बिल्कुल, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं, टाइम लिमिट की हम